अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। शादी के पुराने तरीकों, हमारी लाइफ और तंग नजरी के बायस हर दिन बेशुमार बच्चे मौत की जंग में जा रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे बचाए जा सकते हैं? आवाम का शऊर और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि एक तो हमारी सोसाइटी में मौजूद लोगों का अवेयरनेस लेवल चेक कर सकें, वो स्टूडेंट्स जो हमारी आने वाली नस्लों की जिम्मेदार होंगी या होंगे उनसे बात कर सकें कि उनको कितनी अवेयरनेस है। जेनेटिक म्यूटेशन इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए आपकी आने वाली नस्ल उससे मुतासर हो सकती है। कितने लोग अवेयरनेस रखते हैं, कितने लोग इस चीज़ को ठीक समझते हैं कि रूल आउट कर लेना चाहिए, शादी से पहले अगर टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है तो वो करा लेनी चाहिए। कितने लोग ये समझते हैं कि हम जो है वो अपनी आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं और अपने बड़ों को कन्विंस कर सकते हैं कि इसका सही तरीका ये है, या तो ख़ानदान से बाहर शादियाँ की जाएँ, और अगर ख़ानदान में शादियाँ करनी हैं तो जेनेटिक डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए टेस्ट ज़रूर करा लेनी चाहिए। आए चलें लोगों से बात। भाई क्या नाम है आपका? कैसर मनीर। आपको ये पता है कि कजन मैरिजेस के नतीजे में जी बच्चों में जेनेटिक बीमारियां होती हैं? बिल्कुल पता है आपको पता है? जी बिल्कुल पता है? जी थैलेसीमिया माइनर होता है उसमें, बिल्कुल कजन मेजर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि आपकी फैमिली में शादी होनी है फॉर एग्जाम्पल किसी कजन से, तो आप शादी से पहले टेस्ट कराओगे? करवाएंगे, लेकिन घर वाले वैसे तो मना करेंगे, लेकिन हम करवाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये करवाने ज़रूरी होते हैं। एक तो जैसे हमारी जो न्यू जनरेशन चल रही है आजकल, ये जेनेटिक्स का बहुत इशू आ रहा है। वैसे तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि अपनी वो फैमिली की एक वो कहते हैं नाक रखने के लिए करना पड़ता है रिश्ते रखने के लिए, लेकिन अगर कहीं होता है तो इंशाल्लाह पहले टेस्ट हम भी करवाएंगे और दूसरों को कहते हैं करवाने चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस आएगी, और आप यकीन करें कि इसकी वजह से सिर्फ थैलेसीमिया ही नहीं, स्पेशल केयर के बच्चे, खुदा ना खास्ता डिसेबल बच्चे, डेफ बच्चे जो हैं वो बहुत पैदा हो रहे हैं। अच्छा, आप अपनी शादी से पहले अगर आपकी फैमिली में हो रही है? जी इंशाल्लाह, मैं जरूर करूँगा। हम खुद मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं। हम बकायदा लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि शादी से पहले, गवर्नमेंट भी कह रही है अब शादी से पहले मतलब थैलेसीमिया का टेस्ट कराएं। अच्छा, आप मुझे बताओ, फैमिली जो रिजिस्ट करती है कि नहीं टेस्ट नहीं कराना, छोड़ दो? नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उधर जो हमारे इलाके में हैं देहाती लोग, वो तो बस वैसे ही कहते हैं चाचे बामे के साथ कर दें फिक्स। कोई एजुकेटेड हम कहें कि हम करना, वो कहते हैं नहीं हम अपनी फैमिली में करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने टेस्ट करवाएं, और जिस लड़की के साथ शादी करनी है उसके भी टेस्ट करवाएं, ताकि वो समझदार है भाई, ताकि वो आने वाली नस्ल में वो बीमारी ना आ सके। बच्चों थैंक यू सो मच, आप लोग माशाल्लाह शऊर भी रखते हो, बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने। कुछ और लोग मौजूद है, क्या नाम है आपका? अमीना। अमीना, और आपका क्या नाम है? हमारे पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस बढ़ती जा रही हैं, और उसके नतीजे में जो जेनेटिक डिजीज़ है वो भी बढ़ी है। आपको पता है वैसे अवेयरनेस है इस चीज़ का? जी बिल्कुल। आपको है? जी। अच्छा, अब इससे बचने के लिए ना मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप टेस्ट करा सकते हैं, आप कराओगी अगर ख़ानदान में शादी हो रही हो तो? नहीं, हमारी तो ख़ानदान में होती नहीं है। होती नहीं है, पहले ही अवेयरनेस है? अवेयरनेस है। तो आप कराओगी टेस्ट अगर फैमिली में शादी हो रही हो तो? फैमिली में शादी होती नहीं है, आपके ख़ानदान में होती नहीं है? कहीं पर चाचू के बेटे, फूफो के बेटे? आपकी नहीं, किसी और की भी? किसी और की अगर हो तो फिर उनको टेस्ट करवाना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत प्यारी है, अच्छी लगी। नाम क्या आपका? सेम टू। अक्सा। अक्सा, अक्सा मुझे ये बताओ कि फैमिली और विद इन फैमिली शादी के नतीजे में बहुत सी जीन म्यूटेशन है? जी आपको पता है इस चीज़ का? या आई नो। क्या होता है? बहुत सी डिसेबिलिटी हो जाती है अगर, लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म कसम मैरिजेस की वजह से होते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से अगर आपकी कसम मैरिज चल रही हैं तो वैसे ऐसा अगर फर्स्ट टाइम हुआ है तो इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। चांसेस नहीं होते, लेकिन उसको रूल आउट करने का एक तरीका मौजूद है, आप एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। वुड यू प्रेफर डूइंग इट अगर आपकी शादी फैमिली में हो रही हो तो? नहीं, मैंने करनी नहीं फैमिली में, करनी नहीं है। वेरी गुड, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वैसे भी फैमिली में, अगर आपकी नहीं अगर बनती अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये बहुत दूर की बात कि बेबी कैसा होगा, उससे पहले अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए ना म्यूचुअल, तो नहीं है। लेकिन अगर चलो लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक मफरूजा है कि आपके ख़ानदान में दूर किसी रिश्तेदार से रिश्ता आया और आपके पेरेंट्स कह रहे हैं यहाँ से शादी करानी है, वुड यू कन्विंस योर पेरेंट्स कि पहले मेरा टेस्ट कराएं और उसका टेस्ट कराएं? नो, क्यों? आई डोंट थिंक सो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कहूँगी। पाकिस्तान में ये बहुत कम सी ना, आपको भी आइडिया होगा कि कौन करवाता है ब्लड टेस्ट पहले इससे। लेकिन किसी ने तो इनिशिएटिव लेना है ना, हम पढ़े लिखे लोग ही चेंज कर लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। तो फिर आप कहोगे उनको?
इस इंटरव्यू के बाद ज़रूर इस इंटरव्यू के बाद से अवेयरनेस इसको रिसर्च करना, मैं आपको डेफिनेटली बहुत से पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके फ्यूचर के लिए हेल्प करेंगे कि जेनेटिक म्यूटेशन पाकिस्तान में कितनी हो रही है और उसके नतीजे में क्या क्या प्रॉब्लम होंगे। थैंक यू अफसान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। चार लोगों से बात करते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मारू खती। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको पता है खानदान में शादी के नतीजे में बहुत सी जीन्स म्यूटेशन होती हैं? नहीं नहीं पता। नहीं मतलब ये है कि मतलब जो बीमारियाँ होती हैं वो फैलती हैं। आपके फैमिली में होती है कज़न मैरिजेस? हाँ जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करते ही फैमिली में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन अभी जो एक नई रिसर्च आई है कि आउट ऑफ 4 1 कपल जिसका बेबी होगा उसको जेनेटिक म्यूटेशन का सामना करना पड़ेगा, तो उसको रूल आउट करने के लिए आप पहले टेस्ट करा सकते हो। जी करना चाहिए। लेकिन आप कौन कराए? कौन कराए मतलब आप देखिए जिंदगी भर की एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। जो आपके बच्चों को हो सकती है, लोगों को सोचना चाहिए करने से पहले रिश्ते। अच्छा चलो, आपकी खानदान में शादी हो रही है, आप कराओगे? जब पता है तो फिर बंदा करे, मैं जरूर करूंगी फिर तो। बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी बात है जी, जरूर करूंगी। गुड लक फॉर दैट, आप कर सको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा नज़र। लाइबा, आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। थैंक यू। अच्छा आपकी फैमिली में कजन मैरिजेस होती हैं? अभी आप कन्वर्सेशन भी रहते हैं जी। फैमिली में कजन मैरिजेस का तो हमारे मतलब कोई इस तरह का हार्ट से नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी मेरे मतलब उसके खाला के बेटे से ना, तो उनका जो बेबी हुआ था ना, फर्स्ट बेबी हुआ, तो उसके जो सारे ऑर्गन्स थे ना वो उल्टे थे, मतलब दिल उल्टी साइड पर था और मतलब बहुत इशू था। वो एक हफ्ता रहा है हॉस्पिटल, फिर उसकी डेथ हो गई। मतलब उसका नतीजा ये था कज़न मैरिजेस की वजह से। तो मेरे ख्याल से तो ये फैमिलीज में कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि फैमिली में ही करनी है या कास्ट में ही करनी है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर कोई शादी कर भी रहा है, हम उसको गलत नहीं कह रहे, खानदान में भी शादियाँ होनी चाहिए, बड़े से फैक्टर्स होते हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, जैसे बहुत से मेडिकल टेस्ट हैं, अगर आप करा लें तो आप रूल आउट कर सकते हैं कि बच्चे में कोई डिजीज़ नहीं होगी। अगर आपको मैं सिचुएशन दूँ कि आपकी खानदान में शादी हो रही है, आप वो टेस्ट कराओगे? ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल तो आपको पता है इतने इशू सामने आ रहे हैं, तो फैमिली अलाउ करेगी आपको? फैमिली अलाउ करेगी, ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, तो वो तो नहीं देखेंगे कि उनके बच्चे आगे मुसीबत में आए। आजकल मेरे ख्याल से पेरेंट्स को थोड़ा कन्विंस करना ईजी है। ईजी हो गया पेरेंट्स को कन्विंस करना, ईजी है। और आप ही लोग हैं जिन्होंने हमारी आने वाली जनरेशन के लिए अपना रोल प्ले करना है, स्टैंड लेना है और एजुकेशन को सामने रखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप सारी बात बड़ी गौर से सुन रहे थे जी। जी आपके एक्सपीरियंस में क्या बताएंगे आप, खानदान में शादियाँ होनी चाहिए? मैंने गुजारिश ये है कि मेरी फूफी की बेटी की बेटी की शादी हुई है, मेरे तीन बच्चे मादूर हो चुके हैं। अच्छा। चार बच्चे हैं, तीन बच्चे मादूर हैं। प्रोफेसरों ने यही बताया कि खानदान के अंदर शादी है। अल्लाह ताला आपको सबर दे दीजिए, इसलिए आपकी बात गौर से सुन रहा था। औलाद का दुख बड़ा बड़ा होता है, तीन बच्चे हैं, तीनों को यही मसला है। चाचा जी अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला आपको सबर दे, हौसला भी दे, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बड़ी ये तकलीफ की बात होती है। आपकी आंखों में आंसू भी आ गए जी। मेरी अपनी कज़न को थैलेसीमिया था, मेरे मामू को, वो नहीं बच सकी, 12 साल की उम्र में दुनिया से चली गई। आप यकीन जानिए वो दुख आज भी हमारे साथ है जी। कि अगर शादी से पहले उन दोनों का टेस्ट करा लिया जाता तो शायद उनके बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हैं जी। आप रिकमेंड करेंगे ये होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन हम खानदान वाले कह देते हैं छोड़ो यार डॉक्टर, बस यही हमारे लिए प्रॉब्लम है, खानदान के अंदर शादी करनी है, ये चीज़ें बाद में मसला बनती हैं। बाद में मसला बनती है। आप लोगों को बताएंगे कितना तकलीफ दे अमल है आपके लिए सिर्फ खानदान में शादी करने की वजह से? जो मैं तो ज़हनी तौर इस वक्त नहीं पागल हो चुका बच्चों की वजह से, मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरी औलाद का मुस्तकबिल क्या है, कुछ भी नहीं है, आने वाली नस्ल मेरी तो खत्म हो गई है। एक बच्चा आपका ठीक है? नहीं, एक बच्ची ठीक है, सिर्फ तीन बच्चे हैं, तीनों ही मजदूर हैं। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि खुदारा अपने बच्चों की अपनी नस्लों को बचा लीजिए? मैं तो हर आदमी से ही गुजारिश करूंगा कि सोच समझ के अच्छे फैसले डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक करने चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये रूल ले आए कि निकाह से पहले ब्लड टेस्ट होना चाहिए, होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। बहुत शुक्रिया चाचा, आपको सबर दे जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा हुसैन। इकरा, इकरा मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि फैमिली में शादी करने से या कज़न मैरिजेस के नतीजे में बहुत सी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, पता है या नहीं? ऑब्वियसली। डिस्करेज करना चाहिए कज़न मैरिजेस को? नहीं, डिस्करेज की बात नहीं है। आप डबल कज़न मैरिजेस जो होती हैं, पहले आपके पेरेंट्स की होगी, दैन आपके बच्चों में, फिर आपस में कर दी,
इससे आई थिंक काफी इश्यूज आते हैं हमारे आपस में जानने वाले हैं जिनके ऐसे मसाइल हैं, ऐसे मसाइल हैं बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ना बिल्कुल। या अगर गवर्नमेंट या मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो आपको ऑप्शन दें कि शादी से पहले आप टेस्ट कराओ, जी अगर आपकी शादी खानदान में हो रही है कहीं पर आप टेस्ट कराओगे? अगर पेरेंट्स को देखा जाए तो वो कभी भी नहीं मानेंगे, अगर मैं अपने नॉलेज के हिसाब से देखूं इतने लोगों ने ये बात की है, इतने लोगों ने मुझे ये बात की है, उनको अवेयरनेस भी है, वो समझते भी हैं, लेकिन फिर कहते हैं हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो हमने मनाना है ना पेरेंट्स को, नहीं बिल्कुल कोशिश करोगे लेकिन रेजिस्टेंस आएगी बिल्कुल, तो फिर मुझे बताओ कि कैसे समझाओगे? या तो जो फैमिली में ऑलरेडी इश्यूज हो चुके हैं उनके बारे में दिखाऊंगी कि पहले इनको देख लें कम अज़ कम फिर ही हमारे बारे में सोचें। पहली बात तो ये कि मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ फैमिली में शादी के, और अगर कभी ना कभी कोई इशू बनता भी है तो मेरे ख्याल से कि हम न्यू जनरेशन है, पढ़े लिखे भी हैं, हमें स्टैंड लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, स्टैंड लेना चाहिए और उससे आप आने वाली ज़िंदगी को बचा, जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकते हैं। सिर्फ थैलेसीमिया ही नहीं, आप यकीन जानिए इतनी ब्लड डिजीज़ हैं, डेफ चिल्ड्रन इतने पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, नंबर बढ़ता जा रहा है उनका, उसकी रीज़न क्या है कि विद इन फैमिली हम बाहर निकलते ही नहीं हैं। वेरी गुड इकरा, गुड लक, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो ज़रूर कन्विंस करना अपने पेरेंट्स को। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, मेरा मिसेस खादिम हुसैन है। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ कल्चर है और कुछ फैमिली नॉर्म्स होती हैं कि कज़न मैरिजेस होती हैं, क्या आपको पता है कज़न मैरिजेस के नतीजे में बहुत से प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स बच्चों में होते हैं? हाँ जी। तो होनी चाहिए कज़न मैरिजेस? मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। आपके ख़ानदान में हुई हुई है? बहुत कम, बहुत कम। आपके हस्बैंड, आपके रिश्तेदार तो नहीं? बिल्कुल नहीं है। नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों की कर देते हैं, और बहुत से फियर फैक्टर भी होते हैं ना कि खानदान में रहेगी बच्ची, खासतौर पर लड़कियों की शादी, हाँ। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड का पता होता है ना, बच्चों का पता होता है। देखिए आजकल तो इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं बच्चों के साथ, कोई फैमिली का पता नहीं चलता, मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स करते हैं, कोई पता नहीं चलता, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन आंटी मुझे ये बताएं कि क्या ऐसे कर देना चाहिए कि शादी से पहले चलें, आपने अगर खानदान में भी करनी है टेस्ट एक लाजमी करा लें, जेनेटिक टेस्ट जिसे थैलेसीमिया या हमारा माशरा इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि हम लोग अभी अभी इतने एडवांस नहीं हुए कि पहले बच्चों के टेस्ट करवाए जाएं तो फिर उनकी ना शादी। इतने एडवांस तो हो गए कि खुदा ना खास्ता बच्चे को अगर थैलेसीमिया निकल आया तो हर हफ्ते जाके ब्लड लगवाना है तभी वो बच सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम टेस्ट करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, अब करना चाहिए क्योंकि अब इस किस्म की बीमारियाँ आ गई हैं, पहले तो नहीं थी ना, तो अब होना चाहिए क्योंकि आने वाले वक्त का पता नहीं होता बच्चों ने, जाहिर है आगे। बिल्कुल, एक बड़ी समझदार आंटी मुझे मिली हैं जो ये कह रही हैं कि डेफिनेटली ये होना चाहिए, और हमें जिनको अवेयरनेस है अपना रोल प्ले करना चाहिए इस अवेयरनेस को उन लोगों तक पहुंचाने में जो बेचारे लाइन रहते हैं सारी ज़िंदगी, और बस सिर्फ धोखा ना हो जाए उससे बचने के लिए खानदान में ही शादियाँ, वी आर नॉट डिस्करेजिंग, डेफिनेटली ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर आप एक टेस्ट करा लेंगे तो आप अपनी आने वाली नौकरी, ठीक है। थैंक यू सो मच आंटी, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन इस वक्त हम सुंदस फाउंडेशन में मौजूद हैं, उनके थैलेसीमिया सेंटर में, जहाँ पर थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड लगाया जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि थैलेसीमिया इज़ वन ऑफ दोज डिजीज़ जो जेनेटिक म्यूटेशंस के ज़रिए होती हैं, और जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि कज़न मैरिजेज़ या ख़ानदान में ही शादियाँ जिसके नतीजे में बच्चों में बीमारियाँ आती हैं, उसमें से एक जो है वो थैलेसीमिया भी है, जो हर साल बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। और बच्चों को यहाँ पर ब्लड लगाया जा रहा है क्योंकि इसका एक प्रोसीजर और ट्रीटमेंट जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है। एक बच्ची यहाँ पर मौजूद है जिसे ब्लड लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बच्चे? महक फातिमा। महक, आप को कितनी देर से ब्लड लग रहा है? शुरू से। शुरू से ही लग रहा है। कितने बहन भाई हो आप? दो बहन और एक भाई। और आप सबसे बड़े हो सबसे छोटे? सबसे बड़े। और बाकी दोनों भाई ठीक हैं? बहन ठीक है? उनको तो नहीं ब्लड लगता? ठीक है, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। थैंक यू सो मच। एक और बच्ची यहाँ पर बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबा। सबा कितने साल की हुआ? मैं 17 साल की। 17 साल की हो, माशाल्लाह। और बचपन से ही आपको? जी, 9 साल की थी और ये 2 साल का था। ये भी आपका भाई है? जी। दोनों को थैलेसीमिया? जी, दोनों को थैलेसीमिया। दो ही बहन भाई हो? नहीं, एक बड़ी बहन ठीक है। वो बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, वो ठीक। आपकी अम्मी अबू की कज़न मैरिज हुई थी? जी, कज़न ही है। कज़न ही है? हाँ जी। बुरा लगता है? दर्द होती है? लगता है जब आते हैं, दिल को कुछ होता है, आज जाना है आज। ये आपका भाई है? जी। सामने को बच्चे, क्या नाम है आपका? बिलाल। कितने साल के बिलाल? मैं 21 साल।
और आपको 21 साल से ब्लड लग रहा है। मैं साल का था। 20 साल हो गए। कितनी देर बाद लगता है? मेरे 15 दिन बाद, 15 महीने बाद। पढ़ते हो? छोड़ दिया था। क्या करते हो? मैंने कॉस्मेटिक की दुकान पे काम करते हो जी। कभी होता है कि थक जाते हो या कोई ऐसे साइन इन सिम्पटम्स? जब थकते हैं कहते हैं चले जाओ घर, चले जाओ जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अक्सा। अक्सा, क्या एज है आपकी? 11 साल। और आपको भी शुरू से ब्लड लग रहा है जी? आपकी अम्मी है ये? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? कौशल साहिबा। बच्ची को थैलेसीमिया, अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती दे। और बड़ा तकलीफ होती है बच्चों की बीमारी देखना, तो आप यकीन जानिए कि सही कह रही हूँ। आपकी कज़न मैरिज हुई थी, आपको पता है कज़न मैरिज के नतीजे में ये इस तरह की बीमारियाँ होती हैं? हम गांव के रहने वाले हैं, हमें इन चीज़ों का नहीं पता। आप पता है? बताते हैं डॉक्टर साहब कि मसलन कि ये कज़न मैरिज होती है वो सही नहीं होती है, ये 6 माह की थी तब से इसको ब्लड लग रहा है। कितनी देर के बाद ब्लड लगता है? ब्लड इसको जब मिल जाता है तब लगा लेते, महीने में 2 मरतबा भी लग जाते हैं। 2 मरतबा भी? वैसे तबीयत इसकी ठीक रहती है? नहीं, ये काफ़ी डरावना बच्चों से रहती है, ये किसी से बातचीत नहीं करती है, ये अपने आप में रहती है और ना ये किसी के साथ इतना खेलती है ना किसी से इतना बोलती है। अगर इसको पढ़ने के लिए भेजती हूँ तो ये नहीं पढ़ती। बाकी बच्चों से थोड़ा स्लो है? काफ़ी स्लो। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 4 बेटियाँ। 4 बेटियाँ सिर्फ? इसको लगता। बाकी ठीक है? टेस्ट कराए हैं उनके? हाँ जी करवाए थे, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। आपको ये वैसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे और लोगों को बताने की ज़रूरत है अब कि कज़न मैरिज कराने से पहले खुदा के वास्ते देख लो? देखिए किसी को कहते हैं तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते, इसलिए फिर किसी को कहने के सामने तो एक मिसाल वो होता है तो वो कहते हैं कि मसलन के ये इन चीज़ों से नहीं होती है। जो पढ़े लिखे होते हैं उनको इन चीज़ों का पता होता है, हम अनपढ़ हमें इन चीज़ों का नहीं पता। हम कहते हैं आम बात है, ये तो नहीं होता ऐसे। जब हम यहाँ पे आएँ तो फिर डॉक्टर साहब बात करते हैं तो फिर हमें इन चीज़ों को एहसास होता है। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बहुत कम लोग इसकी अवेयरनेस रखते हैं या जानते हैं। और स्पेशली अगर गवर्नमेंट और स्टेट जो है वो अपना रोल प्ले कर सके अवेयरनेस के लिए, और सिर्फ कानून पास करा देना या इस चीज़ के ऊपर सेमिनार्स रख देने से काम नहीं होता। आप ग्रास रूट लेवल पर अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, हर जगह जब आप अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे, लोगों को बताने और समझाने की कोशिश करेंगे, तो शायद बहुत हद तक जेनेटिक जो डिज़ीज़ हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या नाम है आपका? कश्यप। कश्यप, क्या एज है आपकी? 11 साल। किसके साथ आते हो? मम्मा के साथ। कितने बहन भाई हो? 4। सिर्फ आपको ब्लड लगता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है? यस। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। तबीयत जब डाउन होती है बुरा लगता है? अल्लाह मियाँ आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। यहाँ एक और बच्ची भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। क्या एज है आपकी? 21। थैलेसीमिया है आपको जी? अम्मी अबू की कज़न मैरिज हुई थी जी। कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई। सिर्फ आपको ब्लड लग जी, बाकी सब ठीक है? डॉक्टर साहब मुझे भी बता रहे थे ये जो पीछे बच्चा बैठा हुआ है ये काफ़ी शरारती है, बड़ी बातें करता है। अस्सलाम वालेकुम। और उसके चेहरे पे शरारत आपको नज़र भी आ रही है। क्या नाम है आपका? अयान। अयान, बड़े शरारती बच्चे हो आप। डॉक्टर साहब कह रहे थे ये तो बड़ा बोलता है। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3। कितने बहन भाई हो? 2। सबसे फेवरेट शरारत क्या है आपकी? बैट बॉल खेलना। अम्मी मना करती हैं कि थक जाओगे और तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर भी भाग भाग के बैट बॉल खेलते है ना, मज़ा आता है। कितने बहन भाई हैं आपके? 2 ही हैं। और आपको ब्लड लगता है? दूसरा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका टेस्ट कराया था अम्मी अबू ने जी। यहाँ किसके साथ आते हो? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ जी। हमारे साथ अयान की अम्मी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा कामरान। सिद्रा, सिद्रा अयान को कई सालों से, जब से 1 साल का था इसको डायग्नोज हुआ और ब्लड लग रहा है, कैसे डायग्नोज हुआ था सबसे पहले तो ये बताइए। एक्चुअली ऐसा था, बाय बर्थ था लेकिन हमें आइडिया नहीं था। तो जब ये 1 साल का था ना तो हमने इसके जिना हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए थे, तो वहाँ से हमें पता लगा था कि इसको मेजर थैलेसीमिया है। कॉजेज ढूंढने की कोशिश की कि क्यों है इसको थैलेसीमिया? ऐसा है कि हमने अपने गंगाराम से टेस्ट करवाए थे, वहाँ पर हमें पता लगा था कि हमारे ब्लड में रेड सेल कम होने की वजह से जो बेबी डिलीवर होता है वो मेजर थैलेसीमिया में शिफ्ट होता है। तो जब हमने नेक्स्ट बेबी लिया था तब हमने अपने सारे टेस्ट करवाए थे। थोड़ा सा इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताइएगा कि क्या कहते हैं डॉक्टर, कितनी देर बाद ब्लड लगता है? इसको 2 हफ्ते बाद ब्लड लगता है,
और मेडिसिन हमें ये हॉस्पिटल वाले ही प्रोवाइड करते हैं। बहुत कोऑपरेटेड ये अदारा है, इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है मेडिसिन के हवाले से, ब्लड के हवाले से। कभी गंगाराम सेंटर में गई हैं? वो भी एक वेल एस्टेब्लिश कहते हैं सर। नहीं नहीं, हम नहीं गंगाराम में गए। इधर हमें हर सहूलत मौजूद है, ब्लड के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, डॉक्टर के हवाले से, स्टाफ के हवाले से, वेरी कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका। आप देखिए कि अगर सरकारी सतह पर इस तरह के सेंटर्स अगर मौजूद हैं तो लोग क्यों नहीं जाते वहाँ पर। और आप यकीन जानिए कि इस तरह के मुखय्यर हजरात या फाउंडेशंस जो इंसान की खिदमत कर रही हैं, अगर वो एग्जिस्ट ना करती हों तो इन बच्चों का, उनके पेरेंट्स का क्या हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसबा इजाज़। मिसबा, मिसबा कितने अरसे से आपको ब्लड लग रहा है? मैं 1 ईयर की थी जब से लग रहा है। जब से लग रहा है। अभी कितने साल के? अल्हम्दुलिल्लाह 20 ईयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह जी, और आपने इतने साल इस बीमारी से लड़ा है, आप तो बड़ी बहादुर और स्ट्रांग बच्ची हो जी, है ना? बेशक बेशक। आपको पता है ना, फाइट करनी है हमेशा। यस। डाउन नहीं होना, मायूस नहीं होना। स्कूल जाते हो, पढ़ाए? जी, मेरी छूट गई थी पढ़ाई, तो अब दोबारा मैंने मैट्रिक से स्टार्ट किया। अरे वाह, ज़बरदस्त। कितने बहन भाई हो? हम 3। 3? और आपको ब्लड लगता है सर? हाँ जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैरिड हैं दोनों। अरे माशाल्लाह। और आपकी फैमिली जो मदर और फादर हैं, वो आपस में कज़न हैं? हाँ जी, कज़न्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसबा आपका। थैंक यू सो मच जी। इस तरह मेरे साथ देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि ये ट्रीटमेंट जो है वो किस हद तक बच्चों को हेल्प करता है। जेनेटिक डिज़ीज़ जो है कौन कौन सी है जो इस कैटेगरी में आती है कज़न मैरिजेस के नतीजे में। और यहाँ ये बात बड़ी ज़रूरी है कि अवेयरनेस के पॉइंट्स क्या हैं, किस तरह हम फोकस कर सकते हैं कि अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकें। एक और पेरेंट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आप अबू हैं इसके? जी वाले साहब। क्या नाम है इसका? इसका मिनाहिल इस्लाम। मिनाहिल कैसे हो आप? ठीक। ठीक हो? आपको ब्लड लग रहे हैं? आपका बैग तो बहुत प्यारा है, दिखाओ मुझे बैग में क्या क्या है, देख लूँ मैं। ग्लिटरी बैग रखा हुआ है मिनाहिल ने। अरे वाह, अंदर टोपी है, पानी की बॉटल है। खेलते हो आप? डॉल्स पसंद है आपको? अरे वेरी नाइस। कितने साल से ब्लड लग रहा है मिनाहिल को? ये जब 1 ईयर की थी ना, तब से हमें महसूस हुआ कि इसका ना वाइट वो कलर आ गया, येलो हो गया। फिर हमने इसका टेस्ट करवाया, उसमें ये थैलेसीमिया का वो है ना, इसमें आया। आपकी कॉजेज बताए आपको डॉक्टर ने कि क्यों बच्ची में थैलेसीमिया हुआ है? हाँ जी, ये उन्होंने बताया हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पर आगे पता चला, क्योंकि पहले तो हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी जी कि ये जो कज़न मैरिज हो रही है। आपकी बेगम आपकी कज़न है? जी कज़न है। और दोनों माइनर थैलेसीमिया थे और बच्ची में आके मेजर थैलेसीमिया? हाँ जी, उसमें हो गया, मेजर हो गया। और बच्चे हैं आपके? हाँ जी, एक मेरा बेटा है। फिर हमने उसका, जब हमें यहाँ पे आके पता चला जी कि वो थैलेसीमिया का मसला भी हो सकता है, फिर हमने उससे पहले भी टेस्ट करवाया नेक्स्ट बेबी के लिए, फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप अपनी फैमिली में ये रिकमेंड करोगे कि अगर खानदान में शादी हो रही है तो दोनों पहले अपना ब्लड टेस्ट कराएं? मैं तो सबको कहूँगा। हाँ जी, बहुत मसला है दूसरे पेरेंट्स को भी, और बच्चों को तकलीफ में देखना तो हाँ जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुख होता है, दुख की बात है। बिल्कुल। अल्लाह मियाँ से तंदुरुस्ती दीजिए मिनाहिल को और इतने तमाम बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश। जनाजिन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अदनान गेलानी मौजूद हैं जो सुन्नी फाउंडेशन को ना सिर्फ लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, बल्कि अपनी तमाम मेडिकल जो एक्सपोजर्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, उससे यहाँ के पेशेंट्स को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इसके साथ साथ हेमेटोलॉजिस्ट हैं। सो जितने भी जेनेटिक डिज़ीज़ में जो कज़न मैरिजेस के नतीजे में आती है, उसमें ब्लड डिजीज़ जो हैं उनका नंबर भी ऊपर है, जिसमें थैलेसीमिया भी है और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं, और उन्हीं से हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? डॉक्टर साहब, एक तो आप बड़ा नोबल काम कर रहे हैं और आपकी फाउंडेशन बड़ा ज़बरदस्त अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अवेयरनेस के ऊपर बात करें कि लोगों को बता सकें। आज का हमारा टॉपिक कज़न मैरिजेस के हवाले से है कि जो पाकिस्तान में 70% प्लस जो फिगर्स आ रहे हैं कि कज़न मैरिजेस के नतीजे में जेनेटिक जो म्यूटेशन होती है उसमें डिजीज़ आती है। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चों में हो सकती हैं, हमारी अगली नस्ल में हो सकती हैं?
लेकिन जिस तरह आपने पहले से जिक्र कर दिया कि इसमें थैलेसीमिया है, इसी तरीके से अगर ब्लड बॉन्ड डिजीज की बात करें इसमें हीमोफीलिया आता है जिसको हम लोग यहाँ पे कैटर करते हैं। इसके अलावा बेशुमार बीमारियाँ जैसे डाउन सिंड्रोम है, कंजेनिटल डेफनेस है, एल्बिनिज्म है, ये बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो अनफॉर्चुनेटली कज़न मैरिजेस की वजह से आगे पास ऑन होती हैं। बिल्कुल, थैलेसीमिया की रेशो हर साल बढ़ती जा रही है। क्या आप समझते हैं कि यही वजह है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है और इस तरह से विद इन द फैमिली कज़न डज नॉट मीन के वो फर्स्ट कज़न ही हो, विद इन द फैमिली शादी जो है वो उसका कॉज होती है। लेकिन थैलेसीमिया जो है जैसे आपने जिक्र किया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें जहाँ जेनेटिक का वर्ड आ जाता है तो ऑब्वियसली एक अगर कैरियर जो है वो शादी कर लेता है दूसरे किसी कैरियर में, और हमारे यहाँ क्योंकि ट्रेंड ज़्यादा है फैमिली में मैरिजेस का, तो एक फैमिली में एक कैरियर है तो इसका मतलब है मल्टीपल कैरियर्स मौजूद हैं। हम लोग बगैर सोचे समझे बगैर टेस्ट कराए उनकी शादी कर देते हैं और अल्टीमेटली हर प्रेगनेंसी के अंदर 25% चांसेस हैं कि आने वाला बच्चा जो है थैलेसीमिया मेजर से इफेक्टेड होगा। हमें कज़न मैरिजेस को ऑब्वियसली डिस्करेज करना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो थैलेसीमिया से इफेक्टेड हो, इससे ये हो सकता है कि वो पेशेंट जो है डेफनेस का शिकार हो, वो पाकिस्तान इज बिकमिंग द लार्जेस्ट कम्युनिटी फॉर डेफ चिल्ड्रन, ये भी एक बड़ा ख़तरनाक फिगर है, स्पेशली एबल्ड जो डिसेबल जिन्हें हम कहते हैं वो बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हम इसको रूल आउट कर सकते हैं बिफोर शादी टेस्ट सिस्टम से? देखिए जैसे ये डिजीज़ इवॉल्व हुई थी साइप्रस और ईरान से, आज वो थैलेसीमिया फ्री कंट्री हैं, उन्होंने जो एक रूल बना दिया है कि थैलेसीमिया फ्री सर्टिफिकेट जो है वो शादी से पहले मैंडेटरी है कि मैरिज रजिस्टर होने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, शादियाँ होती जा रही हैं और बच्चे आते जा रहे हैं। अगर हम एक पार्टनर का भी थैलेसीमिया कैरियर या थैलेसीमिया स्टेटस मालूम कर लें, जोड़े में से लड़का या लड़की थैलेसीमिया के कैरियर हैं और एक नॉर्मल है, तो शादी करने में कोई मज़ाक नहीं जानी है कि आप एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। ज़िंदगी भर की ये जो बीमारी है डॉक्टर साहब, क्योर तो इसका अवेलेबल नहीं है, मैनेज किया जाता है इस डिज़ीज़ को। लाइफ एक्सपेंडिक्स में देख रही थी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप यकीन जानिए दिल दुखता है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूज। देखें इन चीज़ों के साथ सबसे ज़्यादा जब किसी को ये डिक्लेयर करते हैं कि आपका ये बेबी थैलेसीमिया मेजर से इफेक्टेड है और ये जितनी इसकी लाइफ है दूसरों के ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, तो पेरेंट्स के लिए वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा साबित होता है उस वक्त जब उनको पता चलता है। तो ये अपने आप में ऑब्वियसली जो आपने फैक्टर यहाँ पर डिस्कस किया है, हर वक्त जहन में फियर ऑफ डेथ रहता है। अब आप ये सोचें कि पेरेंट्स के लिए और उस बच्चे के लिए मेंटल ट्रॉमा किस तरह का होगा जो बाकी बच्चों को देखता है कि जिसको जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है और वो नॉर्मली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, जिसे आम जबान में ससिकमत्री भी कहते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पर जो ये अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं, कुछ बिल्स के ऊपर भी डिस्कशन होती हैं कि प्री मैरिटल टेस्ट सिस्टम जो है वो लाजमी करा दिया जाए, डू यू रियली थिंक वाइल लुकिंग एट आर कल्चर कि ये पॉसिबल होगा? कल्चरल वैल्यूज़ में कहीं इसकी गुंजाइश निकलेगी? और स्पेशली जो ऑलरेडी पेरेंट्स एग्जिस्टेड हैं, डू दे बिलीव इन दैट कि अगर उन्होंने दोबारा ख़ानदान में शादी करनी है तो वो पहले इम्फसाइज़ कर दें कि खुदा के वास्ते पहले टेस्ट करा लीजिए अपनी नस्ल को? इट्स अ वेरी हार्ड प्रोसेस आई थिंक कि आप किसी को इस चीज़ के लिए कन्विंस करें, स्पेशली इन आर सोसाइटी, कि आप अपनी फैमिली के अंदर जो है वो शादियाँ ना करें। आपको मैं काट रही हूँ, लेकिन आपको ऐसे लगता है मिलते हैं यहाँ पे भी पेरेंट्स जिनके आप काउंसलिंग कर रहे हैं वो कह दें कि नहीं जी ये कज़न मैरिज या खानदान में शादी की वजह से नहीं हुआ, ये तो बस अल्लाह की? काउंसिल एवरी पेशेंट, हम उसको जब रजिस्टर करते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है अगर उनके वो तो पेरेंट्स समझ जाएँ, लेकिन वो जब घर जाके अपने किसी बड़ों को ये चीज़ वगैरह बताते हैं तो वो तो इस चीज़ को नहीं देखते। और जहाँ पे आप उन्हें बता देते हैं जी हर प्रेगनेंसी में चांस है, जब चांस का वर्ड आ जाता है तो वो कहते हैं हो सकता है कि बच्चा आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपने रियलाइज़ करना है जब आप मेडिसिन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो वाई नॉट ऑन देयर काउंसलिंग एंड देयर रिसर्चेज। और दुनिया भर में ये रिसर्च मौजूद है कि जेनेटिक डिजीज़ जो है वो विद इन द फैमिली, विद इन द सेम कबीला कह लीजिए, शादियां करने की कास्ट कह लीजिए, कबीले का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मुझे याद आ रहा है कि हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की तालीमात देता है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने कबीले से बाहर शादियां करें या रिश्ते ढूंढें, ताकि एक जो और उसकी रीज़न आज देखिए कि इतने 100 सालों के बाद साइंस प्रूव कर रही है कि आप जेनेटिक डिजीज़ से बच सकते हैं, आप बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अवॉइड कर सकते हैं। आप लोग बड़ा नेक काम कर रहे हैं सर, एंड आई होप कि आप इसको हमेशा कंटिन्यू रखें, लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म रहे जहाँ ना सिर्फ वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं बल्कि अवेयरनेस भी ले रहे हैं। लेकिन हम भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे अवेयरनेस फैलाने की कि ज़िंदगी और आपकी कल्चरल वैल्यूज़, ख़ानदानी ताल्लुकात, रिश्ते, बचपन की मंगनी एक साइड पर, एक बच्चे की जान अगर आप बचा सकते हैं और इस मूजी मर्ज से जो कभी कभी इतनी हार्ड हो जाती है कि आप यकीन जानिए कि मैंने पेरेंट्स की आंखों में देखा है, मदर मेरे से बात कर रही थी आंखों में आंसू आ रहे थे उनके, ये बड़ी तकलीफ़ का अपने छोटे बच्चे को तकलीफ़ में देखना। खुदारा अल्लाह ताला ये वक्त किसी पर ना लाए, लेकिन ख़ुद भी कुछ समझदारी का मुजाहरा करके हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। We'll be right back.
जनरली हम बहुत सी चीज़ों को लाइट ले लेते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों को हम डिनाई कर देते हैं। और उनमें से एक जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है जर्मन साइकेट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट की जानिब से, जिसमें ये रिवील किया गया है कि 14 to 16 million पाकिस्तानी जो हैं वो कज़न मैरिजेस करते हैं, और उसके बाद इन कज़न मैरिजेस के नतीजे में 1.6 million म्यूटेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में ढूंढी गई हैं। और 73% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन फेसेस जेनेटिक डिजीज़ जो कि डिफरेंट कज़न मैरिजेस के नतीजे में सामने आती हैं। और जब जीन्स एक ही फैमिली में बार बार रन करती हैं तो उनकी म्यूटेशंस कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हो जाती हैं, जिसके नतीजे में बहुत सी डिजीज़ हमारी आने वाली जनरेशन में रिस्क बढ़ जाता है। और फिर जब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों की, उसके अलावा भी आप देखिए आपके इर्द गिर्द डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो कितनी तेज़ी से फैल रही हैं, उनकी रेशो बढ़ती जा रही है। वजह क्या है कि हम नोटिस नहीं करते कि कज़न मैरिजेस के नतीजे में ये तमाम प्रॉब्लम्स हमारे आने वाली नस्लों को मुतासर कर सकते हैं। बच्चों से हमने बात की, फैमिली से हमने बात की, आप यकीन जानिए कि ये कितना बड़ा दुख है, ये हम शायद समझ नहीं सकते, लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं ये हमारे साथ ना हो जाए, उससे हम अपने आप को ज़रूर बचा सकते हैं। तो जो लोग अवेयरनेस रखते हैं प्लीज़ अपने इर्द गिर्द लोगों को समझाइए कि ज़रूर करिए, ख़ानदान में शादी करनी है, ट्रस्ट है, रिश्ता अच्छा हो जाएगा, लोग देखे भाले हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बड़ी मैटर करती हैं और डेफ़िनेटली होनी भी चाहिए। लेकिन अगर जो टेस्ट सिस्टम मौजूद है, जिन बीमारियों को हम रूल आउट कर सकते हैं शादी से पहले वो करा लिया जाए, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, बल्कि आप ना सिर्फ अपनी पूरी फैमिली को खुशहाल तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर सकेंगे, बल्कि एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार भी सकेंगे। और नाज़रीन, इसी रिसर्च का जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, इसी रिसर्च में ये वाज़ह तौर पर बताया गया है कि अगर एक ही तरह की जीन मौजूद है और विद इन फैमिली वो रन कर रही है, तो 1 in 4 यानी कि 4 लोगों में से एक में वो जो म्यूटेशन है वो बैडली ज़रूर अपीयर होगी किसी बीमारी की सूरत में, खुदा नखास्ता किसी डिसेबिलिटी की सूरत में। और ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हों, क्योंकि हर चीज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट होती है। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फॉर्म्ड नॉलेज, एंड दैट इज़ द इन्फॉर्म्ड नॉलेज जो हम आपको दे रहे हैं एजुकेशन की मद में, अवेयरनेस की मद में। खुदारा अपनी आने वाली नस्लों को बचाइए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।